ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ 1 ਪਾਉ ਚਾਲੂ ਬਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਦੇਣਾ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त भाई कबीर अहमद एक नई वीडियो व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही एक खाने में बहुत मशहूर चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ अटक लारनासपुर, एक दरबार है जहाँ पे एक इवेंट उस भी आप कह सकते हैं हो रहा है। तो उस पे जो अटक की एक मशहूर डिश है कटवा गोश्त वो बनाया जा रहा है। तो अभी हम इस दरबार में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम भी आई हुई है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो इस इवेंट पे इस वक्त पे मुझे दावत दी है मेरे दोस्त तकीर भाई ने, तो इनसे मैं मिलाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम तकीर भाई, क्या हाल है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी दावत पे सुनाए, खैर ठीक है। तो आप बताएं ये कौन सा दरबार कौन सा है? ये कबीर भाई मियाँ सिक्की सरकार है, लारनासपुर में ये मौजूद है। ठीक है, तो ये हर साल सालाना होता है। ठीक है जी जी, इसमें लंगर का भी इहतमाम किया गया है। तो ये मुझे बताएं ये जो कटवा गोश्त वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, ये कब से शुरू किया जाता है, मतलब किस टाइम शुरू करते हैं बनाने? तो एक दिन पहले से तैयारी की जाती है, पहले खाट लगाई जाती है ज़मीन में। ठीक है, फिर कटवा को मिट्टी वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी ना लगाएं तो कटवा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये सारा गोश्त वगैरह डाल के तो पकाया जाता है। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों आगे हम चलते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरा कटवा कैसे बनता है ये भी बताएँगे और फिर हम तनावल भी फरमाएँगे खाना, तो उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे, बाकी सारा कुछ आपको इसके हवाले से बताएंगे, यहाँ पे जो दरबार है उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों अब कटवा गोश्त को दिचके में डाला जा रहा है और इसके बाद ये लोगों में सर्व किया जाएगा। अब दो लोग यहाँ से देचका उठा के जहाँ पे आवाम को खाना सर्व किया जा रहा है वहाँ पे ले जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रही है, आप देख सकते हैं। ये मट्टी के कटवे होते हैं और इन्हें चूल्हे के ऊपर ही रख देते हैं ताकि जो सालन है वो ठंडा ना हो। तो आप देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब देचके से जो सालन है वो मिट्टी के बर्तनों में डाला जा रहा है जो आवाम में लोगों में तकसीम किया जाएगा। यहाँ पे इंतज़ामिया ने हर बंदे की एक ड्यूटी लगाई हुई है, कोई कटवे से देचके में सालन डाल रहा है, कोई देचके से फिर मिट्टी के बर्तनों में, और फिर कुछ लोग आगे लोगों में सर्व कर रहे हैं, इसी तरह रोटियां और पानी भी इसी तरह सर्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दरबार बाबा मियां सिद्दीकी सरकार का है और इसकी मैं आपको लोकेशन बताता चलूं, लारनासपुर अटक में वाकया है। तो दोस्तों अब हमारे सामने मिट्टी के एक बहुत ही प्यारे बर्तन में खाना पेश किया गया है, तो चलिए हम खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितना मज़ेदार है। दोस्तों जैसे कटवा गोश्त को बनाने का तरीका अलग है, ऐसे ही इसको तनावल करने का भी एक तरीका है। आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके
इस मिट्टी के बर्तन में जिसमें कटवा गोश्त हमें पेश किया गया डालेंगे और फिर इसकी चूरी बना के तनावल करेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह आज से पहले मैंने होटल पे भी कटवा गोश्त खाया है लेकिन इसका कोई अलग ही मज़ा है, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना हुआ है। ये खाने के बाद आप ज़रूर एक बार बोलेंगे कि मज़ा आ गया है। उसके वाले साहब जरा पूछते हैं कि कैसे ये बनती है और कितने टाइम में तैयार होती है। अब्दुल रहमान भाई जी, ये जो कटवा गोश्त है इसका जी बनाने का तरीका क्या है? जी जी 8 किलो गोश्त बनाने, 1 किलो प्याज पे आ गया, 2 किलो टमाटर पे आ गया जी, जी 1 पाव थूम अदरक जी, 50-50 ग्राम मसाले जी, जी मिक्स मसाले जी। तो जनाब इसने किस जी सुबह 6 बजे शुरू करने हैं, तकरीबन 10 बजे तैयार होगा ना। ठीक है, कितना मतलब 4 घंटे जी, 4 घंटे जी। गोश्त पाने हैं जनाब, फिर प्याज पाते, फिर जनाब थूम अदरक टमाटर मसाले जी, फिर जनाब चाव भी। तो जी दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़।